थोड़ा संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक कहीं अटक गया तो सीधे टूट जाता है धड़ाक से। नीचे वाले खेत में ताऊ जी ने मिर्च बोली है, और मिर्च बोने के बाद जो है ना खेत के नीचे और ऊपर राजमा बोई जा रही है। ताऊ जी राजमा तो अभी स्टार्ट हो गया है धनिया लगना। हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में, देव भूमि उत्तराखंड के हरे भरे और खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है ठीक घर से। तो दोस्तों अभी के टाइम पर पूरी धूप आ चुकी है और इस टाइम हम आ गए हैं खेत में, यानी कि मिर्च वाले खेत नहीं, मिर्च बोएंगे तो उससे पहले इनमें 2-3 बार हल लगाना पड़ता है। तो अभी हम भी लगा रहे हैं और अभी आए तो अभी इतना लग चुका है। तो अभी खेत में लगे हुए हैं काम करने पर, और मिर्च के खेत में 2-3 बार हल लगाना पड़ता है ताकि जो भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाए, और जो पुरानी इसमें फसल हो रखी थी ना तो उसका जो जड़ वगैरह है ना, जैसे ये है, तो इनको आराम से समेटा जा सके और पूरा खेत एकदम खाली। तो इसके बाद अभी नीचे वाला खेत भी है। तो दोस्तों अभी के टाइम पर पाटा लग रहा है, यानी कि जुआव लग रहा है, और कुछ इस प्रकार से लग रहा है एकदम मस्त तरीके से ना ये खेत, मतलब बहुत अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं नीचे से ऐसे साइड का ऐसा हो रहा है पूरा। चल 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 तो ठीक इधर तक है अपना। आ आ आ चले उड़ी खराब गया। तो कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, आप पीछे देख सकते हो। और तो दुशाया लगा देना है कि खेत के सबसे ऊपरी सिरे में, तो थोड़ा संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक कहीं अटक गया तो सीधे टूट जाता है धड़ाक से। तो अब बारी है इस वाले खेत की, तो अभी बैलों को थोड़ा आराम देते हैं। और आज बैलों के जेवर भी लगाए गए हैं, ये ना बैलों के जेवर होते हैं, इनको हम अपनी भाषा में खांकर बोलते हैं। तो बहुत अच्छे मतलब बजते हैं, इनकी बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो दोस्तों फाइनली ये वाला खेत कंप्लीट हो चुका है और बादल लग रहे हैं आज बहुत खतरनाक वाले। तो अब ऐसा करते हैं घर के चलते हैं और बैलों को खोलते हैं। चले चल 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 तो दोस्तों आज है ब्लॉग का दूसरा दिन और आज आए हम दूसरे खेत में। अभी हल लग रहा है, यानी कि इसको इसमें भी दूसरा बार हल लग रहा है, इसमें भी मिर्च बोई जाएंगी। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं इस वाले खेत में और इस वाले में एक मिर्च बोई गई है। तो आज से सभी लोग मिर्च बोने का काम कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पर ना इस खेत में पूरा हल लग चुका है और अभी कूड़ा करकट टीप रहे हैं, यानी कि जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं, जैसे कि पिछले बार की जो भी चीज़ें यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर भी देख सकते हो, ये जड़ हैं मक्के की और भी कई सारी चीज़ें, तो इन सबको एक सामने समेट के पूरे खेत को खाली करना होता है। और इसके बाद इसमें फिर से हल लगेगा और फिर मिर्च बोई जाएंगी। तो यहाँ ठीक सामने नीचे वाले खेत में ताऊ जी ने मिर्च बोली है, और मिर्च बोने के बाद जो है ना खेत के नीचे और ऊपर राजमा बोई जा रही है। ताऊ जी राजमा लगे हुए हैं और इतना बड़ा खेत है उनका मिर्च का। तो खेत के चारों ओर ना कूल टाइप के, यानी नहर टाइप के निकालने होते हैं, जैसे कि निकाली हुई है कुछ ऐसे। तो लगभग सभी लोगों ने मिर्च बोना स्टार्ट कर लिया है। तो दोस्तों अभी ना दूसरे बार खेत में हल लग चुका है और यहाँ पर बोते जा रहे हैं मिर्च। तो मिर्च की बुताई ऐसे होती है, तो हाथ में प्लास्टिक की थैली बांधते हैं या फिर दस्ताना लगा कर मिर्च बोए जाते हैं। तो अभी लगाएंगे धनियाल। तो मिर्च बूतने के बाद इससे लगाएंगे, इसको बोलते हैं धनियाल, यानी कि मोया। इसको लगाएंगे पूरे खेत में, इसके बाद पाटा लगाएंगे। तो कई जगह तो ऐसा होता है हल से ही बोए जाते हैं, लेकिन हमारे इधर इससे बोए जाते हैं धनियाल से। तो अभी स्टार्ट हो गया है धनियाल लगना। तो पिताजी लगा रहे कुछ इस तरीके से।
तो पहाड़ों में किसानों के लिए मिर्च एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, जिससे कि काफ़ी कमाई हो सकता है अगर कोई मेहनत करता है। तो अभी बैलों का काम पूरा हो चुका है खेत में, तो अब बैलों को गौशाले में बांध आते हैं। तो अभी के टाइम पर ना पूरे खेत के ऊपर से गोबर को इस तरीके से छानेंगे, मतलब रख देंगे, और इसके खेत के चारों ओर जो है एक नहर टाइप की बनाएंगे, यानी कूल बोलते हैं उसको अपनी भाषा में। तो उसको निकालेंगे सीधे ऊपर से और साइडों से और बीच में से कहीं कहीं पर। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पर ना खेत के ऊपर साइड पूरी नहर टाइप की निकाल ली है, यानी कि इसको हम कूल बोलते हैं, मैंने बताया। और अब इस साइड निकालनी है, तो ये कुदाल से किया और अब इससे करेंगे। ये है छोटा फावड़ा और धूप लग गया भाई एकदम खतरनाक वाली, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए जी, फाइनली इस खेत का काम भी पूरा हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर की तरफ। तो दोस्तों अभी दिन के 1 बज चुके हैं और यहाँ पर भाई अभी हम बकरियाँ चरा रहे हैं अपनी, क्योंकि चरना तो कुछ है नहीं उनके लिए, तो ऐसे चराने पड़ते हैं ना जगह जगह पर। तो ये अपना सामने पुराना वाला घर और बाकी मस्त मज़ेदार वाला मौसम और बकरियाँ मस्त मज़े से चरती हुई।